हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला। आज हम लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे जो कि ओलंपियाड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हमने मैथ और कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर एंड प्रैक्टिस सेट बनाकर डाले हैं। प्लीज़ उसे एक बार जाकर अवश्य देखिए और कॉमेंट करके हमें बताइए कि वो आपको कैसा लगा और आप उसमें और क्या चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑड वन आउट। ऑप्शन ए ग्लव्स, ऑप्शन बी आइसक्रीम, ऑप्शन सी बैट एंड ऑप्शन डी बॉल। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ये चार ऑब्जेक्ट में से कौन सा ऑड है उसको हमें अलग करना है। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ये तीनों क्रिकेट मैच से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम ग्लव्स पहनकर क्रिकेट मैच या बैट बॉल खेलते हैं, जबकि ऑप्शन बी आइसक्रीम अलग है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप। ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी ऑरेंज, ऑप्शन सी बनाना एंड ऑप्शन डी ब्रिंजल। आंसर इज ऑप्शन डी ब्रिंजल, बिकॉज ब्रिंजल इज वेजिटेबल बट ऑप्शन ए बी एंड सी आर फ्रूट्स। क्वेश्चन नंबर 3, टू विच पिक्चर डज द शेप बिलोंग्स। ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द फिगर डैट इज इन अ डिफरेंट पोजिशन देन अदर्स। ये चार पिक्चर दिए गए हैं जिसमें हमें देखना है कौन सा एक पिक्चर डिफरेंट पोजिशन में है। ऑप्शन ए बी एंड सी सेम पोजिशन बट सी इज डिफरेंट पोजिशन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ऑड वन आउट अमॉन्ग द फॉलोइंग फॉर क्वेश्चन 5 to 9। 5 to 9 क्वेश्चंस में हमें फाइंड करना है कौन सा अलग है। इसमें हम देखेंगे ऑप्शन ए अपोजिट ऑप्शन डी। ऑप्शन ए एंड डी में एरो जो है एक दूसरे के अपोजिट दिख रहा है एंड ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ई अपोजिट डायरेक्शन में एरो दिया गया है, बट ऑप्शन सी इज सिंगल ऑप्शन, सो सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ओ डी क्यू बी आई, इनमें से अलग पिक्चर्स क्यू है, क्योंकि क्यू को लिखने के लिए हमें पेंसिल्स को उठाकर दो बार लिखना पड़ता है, जबकि ओ डी बी आई एक बार ही बिना उठाए पेंसिल को हम लिख पाते हैं, जबकि क्यू में ओ लिखने के बाद उसके नीचे के ऑप्शन को लिखने के लिए हमको पेंसिल को उठाकर दोबारा फिर लिखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें देखना है ए बी सी डी एंड ई ऑप्शन में कौन सा पिक्चर डिफरेंट है। तो हम देखते हैं इन सभी में सर्कल के अंदर ट्रायंगल बना हुआ है, लेकिन ए बी सी एंड डी में जो ट्रायंगल है उनके दो साइड से निशान बने हुए हैं, जबकि ऑप्शन ई के जो ट्रायंगल बने हुए हैं उसमें तीनों साइड से निशान बने हुए हैं, सो ई इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी डी एंड ई ऑप्शन में हमें देखना है डिफरेंट पिक्चर कौन सा है। तो ऑप्शन ए एंड ई सेम डायरेक्शन में पिक्चर दिए गए हैं और ऑप्शन सी एंड डी में सेम डायरेक्शन में पिक्चर दिए गए हैं और बी सिंगल डायरेक्शन में पिक्चर है, सो बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हम देख पा रहे हैं जो डंबल दिया गया है, डंबल के दोनों साइड्स जो सर्कल है उसके अंदर पिक्चर्स जो है वह सेम है ऑप्शन ए सी डी एंड ई में, जबकि बी ऑप्शन में डंबल के दोनों साइड के सर्कल के अंदर जो डिजाइन बने हुए हैं वो डिफरेंट है, सो 9 का बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में एक पिक्चर दिया गया है और ऑप्शन है ए बी सी डी एंड ई, इसमें हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे इन शेप में से कौन सा शेप आएगा।
अब हम ध्यान से देखते हैं, मान लीजिए ये शेप को हम क्लॉकवाइज 1 2 3 4 लिख लेते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हम 4 मानते हैं और क्वेश्चन मार्क के ऊपर वाले अंक को हम स्क्वायर शेप को 1 मानते हैं, तो 1 2 3 4 शेप हम मान लेते हैं। तो 2 और 3 शेप में हम ध्यान से देखेंगे, एरो जो है अपोजिट साइड जा रहा है, इसीलिए 1 और 4 में भी एरो को हम अपोजिट साइड लेंगे, तो इस प्रकार उसका आंसर जो है सी आएगा। सी में जो है एरो 1 के अपोजिट जा रहा है, तो सो सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, जिसको हम देखेंगे क्वेश्चन मार्क में इन ऑप्शंस में से कौन के पिक्चर को हम रखेंगे कि ये ऑप्शन पूरा कंप्लीट हो जाए। तो हम ध्यान से देखेंगे ऑप्शन ए बी सी एंड डी, इसमें ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पिक्चर को इमेजन के तौर पर आप रख कर देख सकते हैं, सर्कल यहाँ कॉर्नर पर आ रहा है, तो इस पिक्चर को हम यहाँ उठा कर रखेंगे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में भी हमें ये देखना है ऑप्शन ए बी सी डी और ई, इनमें से चारों ऑप्शन में से 12 पिक्चर्स के ऑप्शन को कौन कंप्लीट करेगा। तो ये हम देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल है, स्क्वायर के अंदर आधा ट्रायंगल बना गया है, तो इस ट्रायंगल को हमें पूरा करना है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में भी हम इसी प्रकार मिलाते हुए देखेंगे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। सो आज के लिए इतना ही, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही हमने अपने आई बटन बॉक्स में मैथ्स के प्लेलिस्ट लगा दिए, जिसे आप जाकर एक बार अवश्य देखें। थैंक यू।